डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे हो, तुसी मैं जसनूर तवन। आम आदमी पार्टी ने सख्त हिदायतां दित्तियां है कि रिश्वतखोरी पंजाब दे विच किसे भी तरीके दे नाल चली नहीं जाएगी। कोई भी रिश्वतखोरी करता होया नजर आएगा तो बख्शिया नहीं जाएगा। और हुण अजिहा मामला बंगे तो सामने आ रहा है जिथे एक पटवारी ते रिश्वतखोरी दे इल्जाम लगते ने। एक किसान तो रिश्वत पेटीएम जरिए मंगवाई जाती है, तो अपने सहायक दे फोन नंबर ते पेटीएम ते रिश्वत मंगवाई जाती है। उस तो बाद इस किसान की शिकायत ते पटवारी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया सी व्हाट्सएप ते, जिथे तुसी फोन कॉल या मैसेजेस करके दस सकते हो कि जेकर थोड़े इलाके दे विच कोई भ्रष्टाचारी कर रहा है, रिश्वतखोरी की जा रही है, तो इसकी तुसी जानकारी इस नंबर ते सांझी कर सकते हो। तो लगातार कई फोन कॉल्स कई मैसेजेस इस नंबर ते पहुंचते ने। व्हाट्सएप जरिए लोग इस नंबर ते शिकायत दर्ज कराते हैं और इस किसान ने शिकायत दर्ज कराई और उसका असर वेखन मिलिया तो पटवारी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। और आम आदमी पार्टी ने जिस तरह कहा कि साढ़े राज दे विच पंजाब दे विच भ्रष्टाचारी जड़ों खत्म कर देवांगे। और बाकी थावां ते जिथे कैंपेनिंग हो रही है, चाहे गुजरात की गल करिए, उत्थे भी जाके अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान कहिंदे नजर आउंदे ने कि पंजाब दे विच भ्रष्टाचारी जड़ों खत्म कर दित्ती। और उसकी एक और मिसाल सामने आ रही है, पटवारी रिश्वत मंगदा सी किसान तो, और इस किसान ने सीएम भगवंत मान वालों जारी किए गए व्हाट्सएप नंबर ते मैसेज भेजा, शिकायत दर्ज की और उसके बाद इस पटवारी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मामले की जांच की जा रही है। तो जिला नवांशहर के सब तहसील बंगा विखे नौकरी करते पटवारी वालों रिश्वत मंगे जाने कारण नवांशहर के विजिलेंस डीएसपी निरंजन सिंह वालों पटवारी खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जानकारी देंदया विजिलेंस विभाग के डीएसपी ने दसिया कि बंगा विखे तैनात पटवारी ने किसी किसान का इंतकाल करने लिए उस को पैसे की मांग की। किसान ने इसकी शिकायत भ्रष्टाचारी विरोधी नंबर से दर्ज की सी। पटवारी वालों अपने सहायक के मोबाइल नंबर से किसान को पैसे पेटीएम करवाए गए सी। तो जांच करने उपरंत पटवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिता गया। तो जिस तरीके दे नाल आम आदमी पार्टी एक्शन दे विच नज़र आ रही और रिश्वतखोरी पंजाब दे विच किसी भी कीमत ते बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और चाहे मंत्री ही क्यों ना होए। आम आदमी पार्टी ने अपने मंत्री नू मंत्री मंडल च आउट किया जदों भ्रष्टाचारी दे इल्जाम लगते ने। तो आम लोगों की इस वक्त खैर नहीं, कोई अफसर जेकर भ्रष्टाचारी करते नज़र आएंगे ताकि हशर किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने इस बारे हर एक नू दस्या भी जरूर और अपने मंत्री नू भी नहीं छड्या, मंत्री मंडल तो आउट कर दिता। तो तस्वीरां थानू दिखा रहे हैं, सख्त एक्शन लिया है। पेटीएम ते पटवारी ने रिश्वत दे पैसे मंगवाए सी, किसान वालों शिकायत दर्ज की जाती है और पुलिस ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच की जा रही है। पंजाब सरकार द्वारा एंटी करप्शन हेल्पलाइन जिहड़ा वट्सएप नंबर जारी किया गया सी, उहदे ते गुरमीत सिंह साबका सरपंच राम पिंड रामपुर की कंप्लेंट आई सी कि उन्हें अपने बेटे के नाँ के 2 एकड़ जमीन का बरा जिहड़ा तबादला किया सी विरासत का, उहदा इंतकाल दर्ज होना सीगा। ते उहदे एवज दे विच पटवारी मानवदीप सिंह ते उहदा अगे प्राइवेट बंदा रखिया जिहड़ा करिंदा नवजोत कुमार लवी, उन्हें 2000 रुपये रिश्वत की जिहड़ी आ मांग करके पेटीएम दे राही जिहड़ी आ उह हासिल कीती, जिहदी दरखास्त की पड़ताल जिहड़ी आ करके तथ्य सही पाए गए आ। 2000 रुपये जिहड़ा गूगल पे दे राही जगेश शर्मा नाँ का बंदा ओड अड्डे दे विच जिहड़ी जय अंबे एंटरप्राइजेज नाँ दा दुकान है उहदे खाते दे विच जिहड़ा पेटीएम करवा के रिश्वत जिहड़ी आ लैणी हासिल होई आ, उहदे तों बाद दे विच इह जाके जिहड़ा नगद पैसे लै के आए आ। ते जिहड़ा जगेश शर्मा उहनूं भी शामिल पड़ताल किया गया, उहदी स्टेटमेंट मुताबक करीब 40,000 रुपए के लगभग इन्होंने
गूगल पे राही उहदे कोलों पेमेंटां जिहड़ियां वख वख समें ते लईआं उहदे बारे जिहड़ा आ हाले तफ्तीश दे दौरान जिहड़ा पड़ताल है तफ्तीश कीती जाऊगी। 2000 रुपये वाली जिहड़ी आ उह साडी जिहड़ी आ उह साबित हो गई ते जिहदे 'च मुकदमा दर्ज करके इहनां दी जिहड़ी आ मुकदमा नंबर 9 कल जिहड़ा दर्ज करके इहनां दी गिरफ्तारी पाई गई है। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰ ਪਟਵਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਟਾਰੀਆਂ ਸਰਕਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਸਪੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਇੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਡਿਜੀਟਲ, ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਲਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਅਤੇ ਕੈ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ